सॉलिड स्टेट चैप्टर के कंसेप्ट की बात करेंगे इस वीडियो में. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल कह सकते हैं या एक सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सेल. इसी टॉपिक पे हमारी चर्चा होगी आज. वॉल्यूम ऑफ सेल बहुत सिंपल है, ए क्यूब. अब जो मेन फॉर्मूला में जितना भी डेरिवेशन आता है वो इस वाले पार्ट से आता है. अब हम इसकी कथा सुनेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मास ऑफ अ सेल दिखता कैसा है, तो इसके चित्र के बारे में थोड़ा हम इमेजिनेशन पहले करते हैं. ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, थोड़ा मेरा नहीं हुआ है. ये क्यूब है, इसकी एक साइड है ए. लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब ले लें, इससे हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है. अब हमें क्या चाहिए? मास. अब इसके अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है. उनका अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट का 3D वीडियो देख लें तो हमें पता लग जाएगा क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है. एक है तो सिंपल क्यूबिक, सेकंड हम पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक. हम हेक्सागनल यूनिट भी होती है इस तरह की, उससे उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे, ऐसे करके होती है. तो हम इसका सबसे पहले जेड पता करते हैं. सिंपल क्यूबिक का Z1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का Z2 होता है. तो ये कोर कंसेप्ट है. तो मास, कुछ मास किसका होगा? मास होगा एटम्स का. इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका मास होगा. तो अब हमें इतना पता लग गया, जेड वो है टोटल कितने एटम्स नेट उसमें निकल के आ रहे हैं. नेट कितना, जेड को हम अगर सिंपल भाषा में कहें, नेट या ओवरऑल कितना एटम यूनिट के अंदर है. ये जो यूनिट है इसमें नेट कितना एटम अंदर है, ऐसे हम जेड पता करते हैं. तो हम जेड पता कर लिए तो मास होगा टोटल एटम इनटू एक एटम का मास, वन एटम. तो अभी तक हमें पता लगा जो मास ऑफ सेल होगा वो जेड इंटू मास ऑफ वन एटम होगा. अब हमें मास ऑफ वन एटम पता करना है. ये जो मास ऑफ वन एटम होता है, आप जरा सोचिए, एवोगैड्रो नंबर 6×10^23, एन ए एटम नेट मॉलिकुलर वेट को कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, एक हाइड्रोजन एटम का 1 AMU में, सोडियम का 23. तो ये जो 23 ग्राम, ये अगर हम इसको ग्राम में ले रहे हैं तो ये ग्राम एक Na का होगा. तो इसी तरीके से ये तो ऐसे ही समझा दिया, एक NaMW नेट मॉलिकुलर वेट, वन एटम Na होते हैं 6×10^23 एटम्स का जो वेट होता है, इतना मॉलिकुलर वेट होता है. एक एटम का MW/Na होगा. अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एक एटम के वेट को यहाँ रख देना है. तो मास ऑफ अ सेल हो जाएगा Z×MW/Na. अब इतनी जो हमने मास के पीछे मेहनत की वो अल्टीमेटली हमारी सफल हो गई. ये जो मास ऑफ अ सेल है, इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देंगे. तो चलिए पुट करते हैं. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सेल का फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है. ये है एक एटम का मास, और ये जेड हमारा, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे हमने कौन सा एटम अरेंजमेंट लिया है. तो हम डेंसिटी पता कर लेंगे. मास ऑफ द सेल Z×MW/Na, और वॉल्यूम ऑफ द सेल हमारा हो जाता है ए क्यूब. तो नेट हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है. अब इस फॉर्मूले को हम परमानेंटली याद रखेंगे. ये फॉर्मूला परमानेंटली याद हम रख सकते हैं बहुत ईजिली. बस दिमाग में सोचना है कि डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. अब हमें वॉल्यूम में पता ही है, तो वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब में आ जाएगा.
अब मेन आता है ये वाला पार्ट। अब हम सोचेंगे कि मास हमने निकाला कैसे था, और मास क्या है, एक यूनिट सेल में कितने एटम, नेट कितने एटम है, उनका वेट पता कर लो, वही मास हो जाता है एक सेल का। तो अब हमें क्या करना है, ये अब हमें टोटल एटम निकालने के लिए हमें नेट जेड, जेड क्या है, नेट ओवरऑल कितना एटम यूनिट के अंदर है। तो अब जेड इंटू हम कर देंगे मॉलिकुलर वेट बाई एन ए, ये क्या है एक एटम का वेट। तो टोटल एटम इंटू एक एटम, एटम का वेट, नेट हमें इतना निकल के जो हमारा फॉर्मूला डेंसिटी का ऐसे हम याद कर सकते हैं।